बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीवी राइटिंग की न्यू सीरीज के साथ जो है वो आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर हूँ। इस सीरीज के अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है वो आप लोग स्क्रैच से जो है वो सीवी बिल्डअप कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा अगर ऑलरेडी आपके पास जो है वो सीवी मौजूद है, इन केस ऑफ जस्ट क्लाइंट्स अगर आपको सीवी देते हैं, उसको किस तरह से हम लोग जो है वो एडिट कर सकते हैं, किस तरह से प्रोफेशनल बना सकते हैं, किस तरह से स्पेसिफिक जॉब ओरिएंटेड जो है वो सीवी को बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह इस सीरीज के अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीवी से। आप लोगों ने अक्सर जो है वो देखा होगा, जितनी भी सीवीज वगैरह हम लोग मोस्टली जो है वो बना रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हमारी गलतियां होती हैं। लाइक कॉमन मिस्टेक्स की अगर स्टार्टिंग में जो है वो बात करूँ, तो हम लोगों ने क्या लिखा होता है हमारे सीवी, ये बड़ा सा करके जो है वो आप लोगों ने क्या किया होता है, इस तरह से जो है वो लिखा होता है, या मोस्टली जो है वो लोग क्या करते हैं इसको, करिकुलम, विटाई, ये बड़ा सा जो है वो करके लिखा होता है, ठीक है, या माय रिज्यूमे, ये सारी चीजें जो है वो करके आप लोगों ने जो है वो अपनी अपनी सीवीज के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा स्पेस जो है वो जाया की होती है। वो लिंक्डइन की एक स्टडी है जिसके अकॉर्डिंग एक एवरेज रिक्रूटर जो है वो सीवी के ऊपर जो है वो 3 सेकंड जो है वो लगाता है सीवी को जांचने के लिए। एक और स्टडी है उसमें 10 से 15 सेकंड है कि एक रिक्रूटर एवरेज जो है वो एक सीवी को जांचने के लिए जो है वो 10 to 15 सेकंड जो है वो लगाता है। तो हम लोगों ने क्या करना है इस दौरान, इसी टाइम स्पेन के दौरान ऐसी चीजें उसको फर्स्ट पेज के ऊपर अपने सीवी के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर देनी है, जिससे उसको जो है वो पता लग जाए कि हम लोग वाकई उस जॉब से रेलिवेंट हैं या नहीं है। तो वही चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं सीवी राइटिंग के हवाले से। अगर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों ने पहले से जो है वो अपने पास जो है वो रखनी है। तो कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको चाहिए होंगी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना, तो अगर आपके पास अपने पर्सनल डिटेल्स वगैरह तो होंगी, अगर क्लाइंट होगा तो आपको सबसे पहले उसकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो चाहिए होंगी। सो जस्ट एग्जांपल नेम, एज, जेंडर भी जो है वो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जस्ट इन केस उनकी ईमेल आईडी, फोन नंबर्स, ठीक है, इसके अलावा और भी डिटेल्स, आई डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट आईडी, इस तरह कोई चीज जो है वो अगर डिमांड करना चाहें तो वो हम लोग लास्ट पे जो है वो ऐड करेंगे। अभी सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स जो है वो हम लोगों को चाहिए होंगी। उसके बाद हम लोगों ने उसकी कैरियर समरी जो है वो लिखनी होगी। ये बेसिकली नेम के बाद जो है वो आती है समरी वगैरह, लेकिन लिखी सबसे लास्ट में जाती है, तो इसको अभी जो है वो आगे आने वाले पॉइंट्स के अंदर जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद समरी के बाद नेक्स्ट जो है वो हमें उसका एक्सपीरियंस, इसी तरह एजुकेशन जो है वो उसकी हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर उसने कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह जो है वो की हुई है, कोई अवार्ड्स वगैरह जो है वो उसने लिए हुए, कोई पब्लिकेशंस हैं, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो है वो ये चीजें बेसिकली जो है वो चाहिए होंगी। और अगर कोई उसका रेफरेंसेस वगैरह हैं तो वो भी हम लोग ने इनको चीजों को ऐड कर देना, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो हमें चाहिए सीवी स्टार्ट करने के लिए या सीवी बनाने के लिए। तो आगे नेक्स्ट जो है वो इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं और प्रॉपरली जो है वो सीवी हम लोग बनाते चले जाएंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो नेम, अच्छा नेम लिखने से भी पहले फॉन्ट वगैरह जो है वो आपने याद रखना है। कैलबरी भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, या टाइम्स न्यू रोमन्स जो भी है। और अगर साइज की, फॉन्ट साइज की जो है वो हम लोग बात करें, ठीक है, तो नेम जो है वो आप लोग उसका 16 रख सकते हैं, हेडलाइंस जो है वो 14, और जितना भी बॉडी टेक्स्ट होगा, जो भी डिटेल्स वगैरह लिखे हैं वो 12, और किसी किस्म की कोई रंग बिरंगी चीजें जो है वो आप लोगों ने ऐड नहीं करनी, हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट इसको रखना है। आजकल
सीवीज जो है वो इमेजेस फॉर्म के अंदर भी बनती हैं, तो उस टाइम पे उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट ये होता है कि अगर बाद में आप लोगों ने उसको लाइक प्रिंटेड फॉर्म प्रिंट बेसिकली निकालना है, तो सबसे अच्छी प्रिंट क्वालिटी जो होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट की होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अभी लाइक मैं नेम से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, नेम जो है वो अपना सीवी के अंदर जो है वो टॉप पे जो है वो ऐड कर दिया। इसका साइज 16 कर लें, 18 कर लें, टोटली डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, और इसको बोल्ड अंडरलाइन भी करना चाहें कर लें, लेकिन मैं सिर्फ अभी फिलहाल इसको बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेल नंबर ऐड करेंगे आप लोग। उसके बाद ईमेल, यहाँ पे ईमेल जो है वो ऐड करनी है। उसके बाद जो भी आप लोगों का कोई जॉब टाइटल होगा, कोई डिग्री होगी, कुछ भी जो होगा वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो आपकी सीवी ओपन करते हैं सारी, जो भी रिक्रूटर होगा उसको जो है वो पता चल जाएगा कि बेसिकली जो है वो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या जो है वो किस तरह से आपसे कंटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो हेडलाइंस हैं लाइक सेल नंबर था इसको बोल्ड मैं कर रहा हूँ, ईमेल को बोल्ड कर रहा हूँ और जॉब टाइटल को बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका साइज जो है वो अगेन आप लोग क्या कर सकते हैं, 14 भी रख सकते हैं, 12 आपकी सेटिंग्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो अपनी अपनी इमेज यूज की होती है, तो हम लोग भी इसको करके देख लेते हैं। इंसर्ट पे आते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे आके पिक्चर्स पे आएंगे और पिक्चर आप लोगों ने जो है वो यहाँ से कोई भी एक जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से कोई भी एक रैंडमली पिक्चर जो है वो मैं उठा लेता हूँ। चले, अब ये पिक्चर आ गई। अब इसमें मसला ये होगा, अगर इसको मैं कहीं पे भी ड्रैग करता हूँ तो ये मेरी टेक्स्ट अलाइनमेंट चीजें जो है वो सारी खराब हो जाती हैं। तो फिर इसका तरीका क्या होता है, यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट की जो है वो ऑप्शन आ रही है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, इसको जो है वो स्केयर कर दें। ठीक है, या दूसरी ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद भी रैप टेक्स की ऑप्शन आएगी और यहाँ से भी आप लोग ने स्केयर कर देना। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से इसको जो है वो आप लोग रैप टेक्स जो है वो करना चाहते हैं। तो मैं अभी इसको स्केयर करता हूँ। ठीक है, और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ से इसको जो है वो ये। अब एक चीज का आपने ख्याल रखना, ये जितनी भी चीजें आपने यहाँ पे जो है वो ऐड की हुई हैं, ये उसके सामने पिक्चर जो है वो रहनी चाहिए, क्योंकि अभी आगे जब नेक्स्ट आप जो है वो लिखेंगे कोई भी टेक्स्ट जो है वो लाइन वगैरह जो भी अगर आप लोग जो है वो लिखते हैं, तो वो इसके नीचे से जो है वो ये इस तरह से कि उसकी किसी किस्म की सेटिंग्स वगैरह जो है वो खराब ना हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, टोटली इसको जो है वो ये जो नेम सेल ईमेल जॉब टाइटल वगैरह जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको जो है वो एडजस्ट कर देना है। इसके अलावा अगेन आप लोग जो है वो यहाँ पे और कोई डिजाइनिंग्स वगैरह जो है वो करना चाहें, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे कोई शेप जो है वो अगर ऐड करना चाहें, लाइक जस्ट एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक कोई भी लाइन ऐड करना चाहता हूँ तो ठीक है, यहाँ से इसको मैंने क्या कर दिया, लाइन को भी ऐड कर दिया ताकि ये मेरे पास पिक्चर वगैरह जो भी होगी ये भी एग्जैक्टली उसी कंडीशन के अंदर जो है वो आ जाए। तो अगेन लाजमी नहीं है कि आप लोग जो है वो ये इस तरह से जो है वो लाइन ऐड करें, बट अगेन डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी डिजाइन वगैरह होगा वो आप लोगों ने खुद से जो है वो देख लेना है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आते हैं समरी पार्ट के ऊपर। ठीक है, समरी अगेन जो है वो अगर याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, समरी में हम लोगों ने क्या करना है, जो हेडलाइन होगी उसका साइज जो है वो 14 रखना है। और समरी का मैंने ये भी बताया कि ये हमेशा जो है वो एंड पे लिखी जाएगी। ठीक है, अभी समरी पार्ट जो है वो मैं खाली छोड़ रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे
एक्सपीरियंस। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें होती हैं कि एक्सपीरियंस को पहले ऐड किया जाए या एजुकेशन को जो है वो ऐड किया जाए। तो मुख्तलिफ कंट्रीज के अपने अपने रूल्स हैं इससे रिलेटेड कि आप लोग अगर जो है वो एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं या एजुकेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग उनसे रेलिवेंट जो है वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो गूगल से चेक कर सकते हैं। वहां से आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि हमें एक्सपीरियंस पहले लिखना है या एजुकेशन जो है वो पहले लिखनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सपीरियंस को जो है वो पहले लिखा जाता है, तो इसलिए मैं भी जो है वो एक्सपीरियंस से जो है वो स्टार्ट करूंगा। अब यहाँ पे अक्सर फ्रेशर्स वगैरह जो होते हैं उनके माइंड में आता है कि अभी हमारा तो कोई एक्सपीरियंस वगैरह है ही नहीं है, तो फिर हम लोग जो है वो क्या करें। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, कोई इंटर्नशिप्स वगैरह, कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर आप लोगों ने जो है वो किए हो तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है अभी। और हाँ, इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर अपने लिए जो है वो कोई भी सीवी वगैरह बना रहे हैं तो आप लोग अपना कोई फ्रीलांस एक्सपीरियंस भी जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक्सपीरियंस जो है वो सेक्शन हम लोग जो है वो लिखने की तरफ जाते हैं, तो यहाँ से जो है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करता हूँ मैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।